हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टैग छोरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। तो दोस्तों, स्मार्ट वॉच चाहे वो ओरिजिनल हो, क्लोन हो या कोई भी हो, दोस्तों फिर से हम आपके लिए लेकर आए स्मार्ट वॉच जो कि 7 सीरीज से है। चलिए तो फटाफट अपने अंदाज में अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं साथ साथ में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसमें और कैसी बिल्ड क्वालिटी है, कैसा ये प्रोडक्ट है, जिस बजट में हमने दोस्तों ये स्मार्ट वॉच लिया है क्या इसमें उस बजट में ये कंफर्टेबल है या वेस्ट फॉर मनी है। चलिए जो भी हो ओवरऑल सारी बातें करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है वो स्मार्ट वॉच जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं, करीब से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है स्मार्ट वॉच और दोस्तों बड़ी अक्षरों में हाईलाइट किया गया वॉच 7 से, और ये दो प्यारी सी घड़ियां भी है, कुछ दिखने में और बॉल बॉक्स आपको ऐसे दिखेगा। और साथ ही साथ 44 mm का ये है, ये भी इसमें हाईलाइट की गई है स्पेशली। चलिए खोल के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये बॉक्स सीधा गिरता है, क्योंकि सीरीज 6 का बॉक्स तो टेढ़ा गिरा था, ये मेरे ख्याल से सीधा गिरना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको मिलता है ये बॉक्स खुलने के बाद, आप देख सकते हैं। लगता है ये टूट के ही मारेगा। चलिए दोस्तों घड़ी पे बाद में आते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या हमें अंदर मिलता है। एक छोटा सा मरिया सा चार्जर मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का, और साथ ही ये लव लेटर जो हर स्मार्ट वॉच में मिलते ही मिलते हैं। अगर आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से हाईलाइट करके ये बारकोड दे दिया गया है, और इसको स्कैन करके और आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी साथ ही इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सेटअप से फलाना ढिमक्का साइज से लिखे जो कोई पढ़ता नहीं, और हम भी कहाँ पढ़ते हैं कभी, जाने दो। और ये दोस्तों ग्रे कलर में इसका बेल्ट दिया गया है, और जो मैंने परचेस किया है वो एक्चुअली ग्रे कलर में मैंने लिया है। चलिए देखते हैं अब इस बारी आती है स्मार्ट वॉच की। स्मार्ट वॉच से पहले और क्या बॉक्स में कुछ है, तो दोस्तों बॉक्स तो खाली है पूरी तरीके से, कुछ है नहीं इसमें, जाने दो। बात रही स्मार्ट वॉच की दोस्तों, तो कुछ इस तरीके की दिखती है आपकी स्मार्ट वॉच, बहुत ही प्यारा प्रीटी लुक है, और साथ ही साथ दोस्तों ग्रे कलर में है ये, मैंने ग्रे कलर पसंद किया है, और पीछे कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ओवरऑल 44 mm की है ये घड़ी, तो बॉक्स पे 44 mm लिखा है और यहाँ पे दोस्तों 45 mm लिखा है। अगर आपको दिख रहा हो 45 mm लिखा है, क्या पता कैसे छाप दिया, हालांकि क्लोन है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहता ही है। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं कैसा ये दिखता है, कुछ दिखा दोस्तों आपको। ये ऑन डायरेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि दोस्तों इसमें वारंटी गारंटी नहीं आती स्मार्ट वॉच में, इसलिए मैंने पहले ही इसको खोलकर चेक कर लिया था, कहीं बंद निकला तो मेरा पोपट हो जाता। चलिए इसके फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या कस्टमाइज हमको जो कस्टम वॉलपेपर्स मिलते हैं कौन कौन से मिलते हैं, कुछ इस तरीके से चालू हो जा ओके। तो कुछ इस तरीके से इसके कस्टम वॉलपेपर मिलते हैं। और बात करें इसकी डिस्प्ले बेजल्स की, तो बहुत ही हल्का सा बेजल्स दिया गया है और पूरा फुल डिस्प्ले है दोस्तों ये, लेकिन अब पीछे लाल लाल हो गया कुछ देख रहे हैं आप कि ब्लड प्रेशर माप रहा है, बट ये तो रॉन्ग है, आपको सही नहीं बताएगा है कहिए, खाली बस नाम का ही दिया गया है। ओके फीचर्स के बारे में तो बाद में जानते हैं, बट पहले देख लेते हैं कि इसकी डिस्प्ले कैसी है और बिल्ड क्वालिटी कैसी है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसके जो ये रोलिंग नट बोल्ट है, तो ये दोस्तों काम करती है बहुत ही प्रॉपरली तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अच्छी तरीके से काम भी करती है, जैसे कि तो ये लॉन्डिया है ये बदल जाती है, ये नट बोल्ट से बदल रही है दोस्तों, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, आप देख सकते हैं देखिए अपने आप बदल रही। ये भी नट बोल्ट अच्छी तरीके से बहुत ही प्रॉपरली वर्क करती है, और डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ओके तो चलिए बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी। बात करें दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की, तो फुली मेटल है दोस्तों, था इसको कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। और साथ ही साथ एक छोटा सा माइक दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हल्का सा छोटा सा माइक है, और ये रहा इसका स्पीकर। चलिए बात करते हैं अब इसके फीचर्स की और क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों फीचर्स में अगर जाके हम देखें, तो सबसे पहला जूता जैसा कुछ दिखाई दे रहा, यानी कि आप जितना चलेंगे उतना डायल पे कुछ आपको ऐसा दिखेगा इसका। और ये सारे प्ले स्टेशन आ गए आपके,
जो भी एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन में आप, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ अलग दिए गए हैं, जैसे कैमरा, जो इसका मेनू बार है कुछ बहुत ही इंप्रेसिंग लग रहा है। बट अगर दोस्तों इसकी बात की जाए डिस्प्ले की, तो जैसी हम सीरीज सिक्स में डिस्प्ले देखने को मिली थी, ऐसी इसकी डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज सिक्स की डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही क्लीन थी, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जैसी फीलिंग आती थी। बट इसकी दोस्तों डिस्प्ले कहीं ना कहीं LED टाइप की है, मज़ा नहीं आ रहा है, सीरीज सिक्स जैसी मज़ा नहीं आ रही है। यानी कि अगर जो डिस्प्ले के स्पेशली दीवाने हैं तो उनको तो ये मज़ा नहीं देने वाली, क्योंकि जो ग्राफिक है, जो क्लियरिटी है, वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट फिर भी सस्ते में काम तो इतना ही होगा। बट इस बार पता नहीं क्यों ऐसा दे दिया। बाकी हालांकि सीरीज सिक्स में बहुत ही अच्छी क्लियरिटी थी, ऐसा नहीं लगता था कि क्लोन स्मार्ट वॉच है, पर इसमें पता नहीं क्यों ऐसी डिस्प्ले दे दी है इस बार। और यहाँ से साथ ही आप म्यूज़िक ऑपरेट कर सकते हैं, फलाना ढिमक्का जो भी हो, कैमरे सटर, बट इसका कैमरा ऑपरेट नहीं कर सकते आप। फेसबुक, व्हाट्सअप जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, खाली दिखाने के लिए दिया गया है। और दोस्तों ट्विटर भी दे दिया गया है, क्या बात है। चलिए दोस्तों बेल्ट लगा के भी देख लेते हैं कि हमारे हाथ में पहनने के बाद ये कैसा दिखेगा। फाइनली हमने दोस्तों ये फिट कर दिए, फिट होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको लुक देगा ये स्मार्ट वॉच। और चलिए हाथ पे बांध के देख लेते हैं, ये टूट ना जाए कहीं, मुझे डर है, बहुत बार गिर चुका है। और हाथ में लगाने के बाद दोस्तों पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक देगा, आप देख सकते हैं। जचेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये कलर यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, हालांकि ब्लैक कलर भी बहुत ही ज़ोरदार लगता है, एक अलग ही लुक देता है, बट ये कलर भी कुछ कम नहीं है, एक अलग ही आपको लुक देगा दोस्तों। और बात की जाए इसकी वज़न की, तो काफ़ी ज़्यादा हल्का है, लाइट वेट है, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन हल्का सा मुझे गर्म फील भी हो रहा है, हालांकि अभी गर्मी बहुत है, हो सकता है उसकी वजह से गर्म फील हो रहा है। और दोस्तों देखने में कुछ ऐसा लगेगा, पहनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, आप देख सकते हैं, सुपरमैन सलमान का फैन जैसा सेटिंग होगा इसका दोस्तों। और ऐसा वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा। मेन चीज़ बात कर लेते हैं ये कितने में हमको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब ये आया था तब लगभग 2300 या 2000 के आसपास मिलता था, बट अभी तो दोस्तों 1300 से 1500 के बीच में ही आपको मिल जाएगा। अलग अलग सिटी और अलग अलग शॉप पे अलग अलग रेट रहते हैं, हालांकि 200-300 रुपये का फ़र्क होता है, ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।